हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कराटी ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर होगा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। तो आप लोग, दोबारा मैं इस पुस्तक को दिखाता हूँ आपको। ये छठा एडिशन है और यहाँ पर मेरा नाम है डी कराटी ऑनलाइन, डी कराटी। तो आज जो चैप्टर है हमारा, पेज नंबर आप देखिए, पेज नंबर 20, ये पेज नंबर 20 देखिए। तो पेज नंबर 20 पे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख है। तो इनके किस प्रकार के सवाल है एग्जामों के अंदर, जरा वो देखते हैं। तो मंत्री प्रधान, भारत की जो प्रणाली है उसे कहते हैं संसदीय प्रकार की प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री प्रकार की प्रणाली के अंदर जो वास्तविक अधिकार है वो तो प्रधानमंत्री के पास में, और सांकेतिक मुखिया होते हैं राष्ट्रपति। तो पहली लाइन के अंदर मैंने यही पॉइंट दे रखा है, और इसमें एक पॉइंट और दे रखा है कि भारत की जो प्रणाली है उसे वेस्ट मिनिस्टर प्रकार की कहते हैं। ये जो शब्द मैंने इस्तेमाल करा है वेस्ट मिनिस्टर, ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल करा है, और ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ कि ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर जो संसद बैठती है, जिस भवन में वो बैठती है, उस भवन को कहते हैं वेस्ट मिनिस्टर। इसीलिए हमारी प्रणाली को भी कहा जाता है वेस्ट मिनिस्टर प्रकार की प्रणाली। जैसे आप जानते हो भारत के संविधान का जो बड़ा हिस्सा है, वो बड़ा हिस्सा हमने लिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इसीलिए ब्रिटेन का संसदीय व्यवस्था का भारत के संसदीय व्यवस्था में बहुत अधिक प्रभाव है। तो पहला पॉइंट ये दे दिया। उसके बाद दे दिया कि जो हमारे संविधान है, संविधान के अंदर दो अनुच्छेद है, एक तो अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 और एक है अनुच्छेद 75। यहां पर क्या दिया गया है, अनुच्छेद 74 में तो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करेंगे। तो हमारा जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्रिपरिषद की सलाह लेना राष्ट्रपति जी के लिए बाध्यकारी है, किसमें, अनुच्छेद 74 में। और ये सब अनुच्छेद देखने के लिए आप देखिए पेज नंबर 38, जो संविधान का पेज नंबर 38 है, उसमें मैंने सारे अनुच्छेद आप लोगों को दिए हुए हैं, आप उन अनुच्छेद को देखिए। और अनुच्छेद 75 में क्या है, इसके कई सारे हिस्से हैं जिनके बारे में एक एक करके मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इनको जरूर देखना है। तो मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 75(1) के अंदर कहा गया है प्रधानमंत्री और मंत्रियों, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। जैसे आपको मैंने अभी बताया, हमारे यहां पर जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, देश के राष्ट्रपति। तो उनके बारे में अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है कि जो मंत्री हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत। अब ये जो शब्द है, यहां से एक और चीज निकल के आएगी कि जैसे आप नीचे की तरफ बॉक्स में देखेंगे, तो यहां मैंने क्या प्रोवाइड करा रखा है आपको, यहां पर मैंने दे रखा है ये बॉक्स अनुच्छेद 75(3) देखिए, ये दे रखा है अनुच्छेद 75(3). अब 75(3) के अंदर क्या दे रखा है, और उसके ऊपर की जो लाइन है उसमें दे रखा है कि इनका जो उत्तरदायित्व है, इसके ऊपर पॉइंट, उसमें क्या है, प्रसाद पर्यंत का मतलब है यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री जी के कहने पर अपने पद को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को सलाह देंगे कि वो उसे बर्खास्त कर दे, क्योंकि सभी लोग, सभी मंत्री जो है इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति जिम्मेदार है, वह राष्ट्रपति जी के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि जो भी मंत्री है उसे शपथ ग्रहण करनी होगी राष्ट्रपति भवन में जाकर। वहां पर अशोक हॉल है, एक बड़ा सा कमरा है, कक्ष है, जिसे अशोक कक्ष कहते हैं, उसी में जाकर सबको शपथ ग्रहण करनी है। तो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी राष्ट्रपति जी के प्रति। और 75(3) में है सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि जो मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिपरिषद एक साथ ही तैरेगा और एक साथ ही डूबेगा। इसका अर्थ यह हो गया कि यदि किसी मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो वो पूरी सरकार के खिलाफ माना जाएगा। यदि प्रधानमंत्री महोदय त्याग पत्र देते हैं तो पूरी सरकार का त्याग पत्र माना जाएगा। इसीलिए मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, वो जो मंत्रिपरिषद का निर्णय होगा, जैसे कैबिनेट का निर्णय होगा,
या तो उसे स्वीकार करेंगे अन्यथा त्याग पत्र देंगे। तो इसीलिए सब मंत्री जो है संसद में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और समर्थन करेंगे, क्योंकि सब एक साथ ही तैरेंगे या एक साथ ही डूबेंगे। 75(4) के अंदर दिया गया है शपथ ग्रहण करने का, तो जितने भी मंत्री हैं उन्हें शपथ कौन ग्रहण कराता है, याद रखेंगे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री हैं उन सब की उन्हें शपथ राष्ट्रपति महोदय, और जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन, उनकी सलाह कौन देता है नियुक्ति की, प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर प्रधानमंत्री को जी को अधिकार दिए गए हैं कि वो जिसे चाहे उसे मंत्री पद के लिए नियुक्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति महोदय से करेंगे। नियुक्ति सबकी किसके द्वारा है ध्यान रखना है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, परंतु उनकी सिफारिश कौन करेगा, वो प्रधानमंत्री जी ही उनकी सिफारिश करेंगे। शपथ ग्रहण करना ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। 75(5) में क्या कहा गया कि यदि कोई मंत्री सांसद नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे सदस्यता अवश्य ग्रहण करनी होगी। तो ऐसा भी मौका आ जाता है कि कोई व्यक्ति मंत्री बना दिया जाता है परंतु वो सदस्य नहीं होता, जैसे अरुण जेटली जी के बारे में देखिए, अरुण जेटली जी 2014 के चुनाव के अंदर अमृतसर से लोकसभा का चुनाव हार गए, परंतु जब मोदी जी की सरकार का गठन हुआ तो उन्हें वित्त मंत्रालय सौंपा गया, वित्त मंत्री बनने के बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य चयनित किया गया। तो इस प्रकार से कोई मंत्री चाहे तो वो बगैर संसद की सदस्यता के भी प्रधानमंत्री से मंत्री बना सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि मंत्री पद ग्रहण करने के 6 माह के भीतर उन्हें संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 6ठे में दे दिया वेतन और भत्ते, जो इनके वेतन और भत्ते हैं उनका निर्धारण कौन करेगा, भत्ते का निर्धारण संसद के द्वारा होगा। तो इसका अर्थ यह हो गया, देखिए जो मंत्री हैं, एक चीज तो ध्यान रखनी है हमें कि जितने भी मंत्री हैं उन्हें वही वेतन प्राप्त होता है जो एक सांसद को प्राप्त होता है। जैसे 2018 के अंदर संसद में विधेयक पारित होने के बाद सांसदों के वेतन को बढ़ाकर 1,00,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया, तो जितने मंत्री हैं उनका भी 1,00,000 है, परंतु मंत्री होने के कारण उनके जो भत्ते हैं उन भत्तों में वृद्धि होती है, उनके अंदर उन्हें जो विशेष जो मान लीजिए ट्रेवल अलाउंस है, यात्रा का जो भत्ता है वह, हाउसिंग अलाउंस है या जो आवास भत्ता है उसमें वृद्धि की जाएगी। ये 75(6) पेज नंबर 38 के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर मैंने इन्हें प्रोवाइड किया, जरूर देखिए, इसलिए मैं जरूरी बता रहा हूं क्योंकि UPSI के पिछले एग्जाम के अंदर यहां पर देखेंगे पेज नंबर 38, तो आप पेज नंबर 38 पे देखेंगे, ये देखिए पेज नंबर 38 मैंने दिखाया और पेज नंबर 38 में यहां पर दे रखे हैं 75, 75(1) से लेकर 75(6) तक, इन्हें जरूर आप लोग देखिए। तो इसका संदर्भ यह हो गया कि इसके बाद मैंने पॉइंट दे रखा है, एक एक करके इसके क्रम से ही चलता हूं ताकि आपको किताब पढ़ने में आसानी हो। दूसरे नंबर पे मैंने दे रखा कि राष्ट्र संविधान के अनुसार अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा देश के प्रधानमंत्री। इसके बाद है मंत्रियों की श्रेणी, मंत्रियों की श्रेणी का इसे चाहे आप पॉज कर लेंगे, जिस पे बुक नहीं है, जो बुक बच्चे चाहते हैं कि ये बुक प्राप्त करना, जैसे कुछ के मैसेज आते हैं तो आप लोग एक काम किया कीजिए, जब आप मुझसे मैसेज मांगे या आप मुझसे मांगे कि बुक कहां पर मिलेगी कैसे मिलेंगी, तो आप अपना प्लीज फोन नंबर रख दीजिए, फोन नंबर जरूर दे कीजिए, और फोन नंबर अगर व्हाट्सएप का हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि व्हाट्सएप का नंबर जब आप देंगे तो उसके ऊपर सारे मैसेज आपको भेज दिए जाएंगे कि कहां से मिलेगी, किस तरीके से मिल सकती है, क्योंकि मुझे आपकी जगह का नाम नहीं पता रहता, जैसे आप मुझसे पूछते हैं तो यदि आप किसी और जगह पर हैं, हरियाणा में हैं या हिमाचल में हैं कहीं और हैं, तो वो चीज मुझे अगर पता होगी तो मैं आपको शॉप का नंबर वहां भेज दूंगा ताकि आपको प्राप्त करने में आसानी हो। तो इसलिए, और जहां तक नंबर की बात है कौन से नंबर पे आपको कॉल करना है, तो मैं नंबर यहां पर दे देता हूं, आप लोग इस नंबर के ऊपर जो जानकारी चाहेंगे वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं, हालांकि जो इनके पास बुक है उन पे नंबर मिलेगा। इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। अब आ गया तीसरे नंबर पे मंत्रियों की श्रेणी, तो जो मंत्री हैं उन मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं,
एक श्रेणी जो है वो कहलाता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा कहलाता है, इसे कहते हैं राज्य या स्वतंत्र प्रभार का मंत्री प्रभार, और तीसरा कहलाता है उपमंत्री। ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आया कि कितने प्रकार के मंत्रियों के समूह होते हैं। तो मंत्रियों के जो समूह है ये तीन श्रेणी होती है। इसमें जो सबसे शक्तिशाली है वो कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री। ये जो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री को ही कहा जाता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट वर्ड का यूज क्यों किया? क्योंकि ये प्रधानमंत्री के जो आंतरिक सलाहकार होते हैं उन्हें कहते हैं कैबिनेट मंत्री। और कौन होते हैं कैबिनेट मंत्री? कैबिनेट मंत्री का दर्जा, तो प्रधानमंत्री जी को अधिकार है जिसे चाहे वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान करके मंत्री बना दे, और किसे वो स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाना चाहे। जैसे कैबिनेट मंत्री के उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो गृह मंत्री है राजनाथ जी या वित्त मंत्री है अरुण जेटली जी। इसके अलावा जितने मामले हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, वो सारे के सारे जो मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं राज्य और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, तो इनको क्या कहेंगे? ये प्रधानमंत्री के आंतरिक सलाहकार समूह का हिस्सा होते हैं। इन्हीं को कहते हैं किचन कैबिनेट, यानी कि इन्हीं की मंत्रणा से प्रधानमंत्री जी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हैं। जब भी आप अखबार में पढ़ेंगे तो हर जगह आप पढ़ेंगे कि कैबिनेट का ये निर्णय रहा। कैबिनेट के निर्णय का मतलब है कि ये जो मंत्री है यही नीतिगत निर्णय लेने में प्रधानमंत्री जी की सलाह देते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कैबिनेट का निर्णय। उसके बाद है राज्य या स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। जैसे खेल और युवा मामलों के मंत्री है राज्यवर्धन राठौड़ जी। तो ये जो राज्य और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं इन्हें स्वतंत्र मंत्रालय भी सौंपा जाता है। जैसे मैंने कहा मेनका गांधी जी है तो महिला और बाल विकास मंत्री, तो ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। इनका अंतर क्या होगा कैबिनेट मंत्री से? इनका अंतर केवल इतना होगा कि जब महत्वपूर्ण मामलों पर बैठक बुलाई जाती है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट की बैठक, तो इन लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाता। और तीसरे जो है वो कहलाते हैं उपमंत्री। उपमंत्री की राज्य मंत्री के या कैबिनेट मंत्री के सहायक के तौर पर कार्य करते हैं। तो तीन श्रेणियां मंत्रियों की इस प्रकार से है। यहां लगे हाथ एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि जो कैबिनेट मंत्री है, जैसे हमारे यहाँ नीति आयोग है, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं डिप्टी चेयरमैन है, अध्यक्ष तो होते हैं प्रधानमंत्री जी, तो इस टाइम मोदी जी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष है, और उनके जो उपाध्यक्ष बनते हैं उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्रदान किया जाता है। तो जैसे पहले हम पढ़ते थे योजना आयोग, तो योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन के जो डिप्टी चेयरमैन होते थे उपाध्यक्ष, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। तो इस प्रकार से जब से 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ है उसके बाद से नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? वर्तमान के अंदर राजीव कुमार जी हैं। तो राजीव कुमार जी जो है उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा। तो यहां पर तो मैंने आपको बताया कि तीन श्रेणियां मंत्रियों की होती हैं। अब इसमें एक पॉइंट और ये आपको लिखना होगा। इसमें क्या होगा कि जैसे हम सुनते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, इनमें क्या अंतर होता है? तो ये दो शब्द आ जाते हैं। एक तो आता है मंत्री परिषद और एक आता है मंत्री मंडल। दोनों के अंदर जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि जो जैसे आपको मैंने बताया कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और उपमंत्री, ये सारे के सारे अर्थात कैबिनेट, फिर राज्य और उपमंत्री, ये सारे के सारे मिलकर जो है ये बनाते हैं मंत्री परिषद। और जो कैबिनेट मंत्री है वो कहलाता है मंत्री मंडल। तो कैबिनेट का मतलब है मंत्रिमंडल। इस पहला पॉइंट तो ये समझ लीजिए। तो जितने भी मंत्री हैं वो सारे मंत्री परिषद, और जो कैबिनेट मंत्री है वो बनाते हैं मंत्रिमंडल। अब प्रधानमंत्री जी को जो सलाह है प्रधानमंत्री जी को, और नीतिगत निर्णय कौन लेता है? जैसे मैं यहां लिख दूं नीतिगत निर्णय, तो नीतिगत निर्णय लेने के अंदर इसे इतना अधिकार नहीं है और इसे पूर्ण अधिकार है। जैसे हमने कहा कोई भी निर्णय लिया जाएगा, जैसे रक्षा क्षेत्र के अंदर 49% विदेशी निवेश की अनुमति दी, तो हम क्या पढ़ते हैं कैबिनेट ने निर्णय।
तो जो एक इकाई है जो हमें दिखाई देती है वो इकाई या जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो इकाई मंत्रिमंडल होता है। हम कहते हैं मंत्रिमंडल का या कैबिनेट का ये निर्णय हुआ। दूसरा है उत्तरदायित्व। जो उत्तरदायित्व है संसद के प्रति, वो उत्तरदायी में हम लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति, तो हम किसकी बात करते हैं? उत्तरदायित्व जो है इस मंत्रिमंडल का है। तो जो व्यवहारिक तौर पर हमें दिखाई देता है वो व्यवहारिक तौर पर हमें मंत्रिमंडल ही दिखाई देता है। तो ये अंतर होता है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। ये आपको मैंने बुक में नहीं दे रखा, इसे आप लोग जरूर उतारेंगे। हालांकि जो आगे बुक आएगी तो उसके अंदर जरूर इसके बारे में मैंने दे रखा है, तो कुछ किताबों में जरूर मिलेगा मेरी जो ये वाली है, कुछ के अंदर नहीं। जिसमें नहीं है उसमें आप लोग इसे उतार लीजिए। बस मेजर चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल कहते हैं और बाकी कोई चीज ऐसी विशेष नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं कोई दिखाई देने वाला, जैसे मान लीजिए कोई धर्मगुरु है वो तो दिखाई देगा, लेकिन जो भगवान है या प्रभु है वो दिखाई नहीं देते। तो इसको तो आप मान लीजिए प्रभु की तरह है, इसके अस्तित्व को हम नहीं देख सकते। ये धर्मगुरु की तरह है जिसको हम छू भी सकते हैं और जिसे हम देख भी सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आ गया इसके अंदर अगला पॉइंट दे दिया। तो पहला मैंने आपको बताया था कि मंत्री कौन बनेगा। मंत्री बनने के लिए जो शर्त है वो शर्त है कि या तो वो मंत्री बनने के लिए जो शर्त है वो ये है, सांसद होना चाहिए। सांसद किसका होना चाहिए? चाहे तो लोकसभा और चाहे राज्यसभा, यहां पर वो मंत्री बन जाएगा। अब प्रधानमंत्री भी कौन हो सकते हैं? चाहे राज्यसभा का सांसद ही क्यों ना हो, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे और वो सांसद कहां से थे? राज्यसभा, असम राज्य से होते। हालांकि तुलना करें अगर हम ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन में एक चीज की शर्त है कि जो प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री निचले सदन से ही चुने जाएंगे। निचले सदन का मतलब क्या हो गया? जैसे आप यहाँ निचले सदन की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो जनता को चुनने का अधिकार है वो लोकसभा के सांसदों को है। राज्यसभा के अंदर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसीलिए ब्रिटेन के अंदर इस चीज को देखा गया कि जिसे जनता ने चुना है वही वहां का प्रधानमंत्री बने। जैसे 2018 में टेरेथा में है, तो टेरेथा में वहां का जो निम्न सदन है उसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, और जो उस सदन है उसे कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। तो ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री वही बनेगा जो हाउस ऑफ कॉमन का सांसद होगा। तो भारत में या तो इनकी सदस्य हो, अन्यथा या सदस्य बनने के, मंत्री बनने के 6 माह के भीतर वो सदस्यता ग्रहण कर ले, ये शर्त है। इसके बाद दे रखा है अगला पॉइंट, मंत्री कोई भी हो, मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार होगा? लोकसभा के प्रति। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि सरकार की जिम्मेदारी किसके प्रति है? हमारा उत्तर होगा केवल और केवल लोकसभा के प्रति। लोकसभा का मतलब है लोकसभा में 543 सांसद है चुने जाते हैं, तो 543 में से 272 का समर्थन उसे चाहिए। तो जिम्मेदारी जो है वो केवल लोकसभा के प्रति होगी, राज्यसभा के प्रति उसे अपने बाहुबल को दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर आता है दूसरा पॉइंट, यदि कोई मंत्री है और मंत्री जो है राज्यसभा के सांसद है, ऐसी स्थिति में वह भी किसके प्रति जिम्मेदार होंगे? लोकसभा के प्रति। ये पॉइंट मैं बताया है इसमें। लोकसभा के प्रति जिम्मेदार का मतलब है उनके खिलाफ भी यदि निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो भी कहां लाया जाएगा? लोकसभा के अंदर। यदि कोई मंत्री है, जैसे अरुण जेटली जी का एग्जाम्पल लेते हैं, अरुण जेटली जी वित्त मंत्री है परंतु राज्यसभा से सांसद है, तो वह भी लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। जैसे बजट प्रस्तुत किया 2018 को, तो 1 फरवरी 2018 को वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बजट प्रस्तुत किया लोकसभा में, तो वो लोकसभा की बैठक में हिस्सा भी ले सकते हैं परंतु मतदान के अधिकार के अलावा। अर्थात मतदान की जब बात आएगी तो लोकसभा में मतदान केवल वही करेगा जो लोकसभा का सांसद होगा, यानी कि अरुण जेटली जी जो है वो मतदान नहीं कर सकते, हालांकि लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते। ये पॉइंट मैंने बताया। इसके बाद मैंने अगला पॉइंट जो आपको दिया वो दिया मंत्रियों की संख्या। अब मंत्रियों की संख्या को लेकर जो है हमारे यहाँ 2003 में एक संविधान में संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन में क्या किया गया? इसमें किया गया कि, और संविधान संशोधन कौन सा था? ये था 51वां, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसमें निश्चित किया गया कि जो मंत्रियों की संख्या है वो 15% होगी किसके, लोकसभा की कुल संख्या के। और यही नियम राज्यों में भी लागू होता है जहां पर सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मंत्रियों की संख्या 15% वहां की विधानसभा के। तो यदि हम तुलना करें विधानसभा की, तो अगर हम बात करते हैं विधानसभा जैसे यूपी में है तो यूपी में कितने हैं, 403, या अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में कितने हैं, 182। तो इसका मतलब हो गया विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक। अब इसमें जैसे सीटेट में सवाल आया कि क्या प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भी शामिल है, हमारा उत्तर होगा हाँ, ये दोनों भी 15% में शामिल है, तभी 15% की संख्या निर्धारित होती है। अगला पॉइंट दे दिया उसके बाद प्रधानमंत्री से, हाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है, मैंने शुरू में बताया जो मंत्री है वो व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री के प्रति जिम्मेदार है, और जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति, वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार है संसद के प्रति। संसद का मतलब केवल लोकसभा के प्रति, ध्यान रखना है राज्यसभा के प्रति हम इस उत्तरदायित्व की बात नहीं करते, क्योंकि देखिए विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ये जितने भी प्रस्ताव आते हैं वो केवल लोकसभा में लाते आते हैं, राज्यसभा के अंदर नहीं। इसीलिए सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब है एक साथ तैरना और एक साथ डूबना, इसी को सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद मैंने बताए थे, अनुच्छेद 75(3), ये बॉक्स के अंदर मैंने दे रखा। अगला पॉइंट आ गया प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। SSC के एग्जाम में सवाल आया किसको कहा जाता है फर्स्ट अमंग द इक्वल, या एक समान में से प्रथम किसे कहा जाता है। तो एक समान में से प्रथम की बात जब आएगी तो उसके अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री। इसलिए कहते हैं एक समान में से प्रथम क्योंकि प्रधानमंत्री जी का अलग से भारत में चुनाव नहीं होता, जो अमेरिका की तरह, अमेरिका में तो पहले तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मतदान होता है, फिर उनकी पार्टी का है, बाद में वो राष्ट्रपति बनते हैं। तो अमेरिका में तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता, परंतु भारत में चुनाव के टाइम पर प्रधानमंत्री के नाम से कोई मतदान नहीं होता, सांसदों के लिए चुनाव होता है। सांसद बनने के बाद चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, तो उनमें से किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। कैसे प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, लोकसभा के अंदर 272 कम से कम जो 272 सांसद है जिसे अपना नेता चुन लेंगे, राष्ट्रपति महोदय उसे प्रधानमंत्री की शपथ दिलाएंगे और उससे सूची मांगेंगे मंत्रियों की। तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो है वो सांसदों में से एक है, इसीलिए कहते हैं फर्स्ट अमंग द इक्वल, या एक और वर्ड आता है प्राइमस इंटर पेरिस। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे लोधी जो वंश था, लोधी वंश का भी क्या सिद्धांत था कि जो बहलोल लोधी था संस्थापक या फाउंडर, वो कभी राजगद्दी पर नहीं बैठता था, अपने दरबारियों के साथ एक ही मंच पर बैठता था, क्योंकि अफगान के अंदर भी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक बहुत ताकतवर एक सोच है कि सभी एक समान है, इसीलिए एक समान से प्रथम, ये हम इतिहास के अंदर भी इस शब्द का उल्लेख होगा। इसके बाद आ गया कि प्रधानमंत्री जी के बारे में डॉक्टर अंबेडकर का क्या कथन है। भारत के अंदर भारत के जो प्रधानमंत्री है डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अंदर उनकी तुलना, प्रधानमंत्री की तुलना करी है अमेरिका के राष्ट्रपति। तो अंबेडकर जी का जो कथन है वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री की तुलना हम अमेरिका के राष्ट्रपति से कर सकते हैं, यदि शक्तियों की तुलना करें तो उस मामले में दोनों एक समान। इसके बाद दे दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या शर्त है, वही शर्त जो मंत्री बनने के लिए, मंत्री के लिए शर्त होगी या तो सांसद हो, और अगर सांसद नहीं है तो 6 माह के भीतर वो सदस्यता अवश्य ग्रहण करे। जैसे हमारे एक प्रधानमंत्री हुए HD देवगौड़ा, तो HD देवगौड़ा जी जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने त्याग पत्र देने के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो उसके बाद उन्होंने सदस्यता सांसद की ग्रहण करी। तो पहले उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली और उसके बाद वो सांसद बने। तो ऐसे प्रधानमंत्री भी है जो ना तो लोकसभा और ना राज्यसभा के सदस्य थे परंतु प्रधानमंत्री बने। इसके बाद देखिए जैसे, और यहां लगे हाथ मैंने वो ब्रिटेन की बात भी आपको बता दी कि ब्रिटेन में क्या है,
ब्रिटेन के अंदर जो प्रधानमंत्री बनेंगे कौन बनेंगे, ये वही बनेंगे जो वहां के निम्न सदन के सदस्य होंगे। अब ब्रिटेन का निम्न सदन कहलाता है, अभी मैंने बताया था, फिर मैं यहां पे लिख देता हूं, ब्रिटेन के अंदर कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। ये भी याद हम लोग करते हुए चलें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार एग्जामों के अंदर विदेशी या दूसरे देशों की संसद के बारे में पूछा जाता है, उसे किसी और नाम से जाना जाता है, तो बेहतर होगा। इसके बाद दे दिया अगला कि कैसे मंत्री बनते हैं, शपथ कौन ग्रहण कराता है। शपथ में आंख मिचकर आपको हमेशा राष्ट्रपति महोदय, अन्यथा राष्ट्रपति जी के द्वारा जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा उसके द्वारा शपथ ग्रहण की जाएगी। त्यागपत्र किसे सौंपेंगे, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। उसके बाद मैंने आपको यहां पर सूची दे दी, ये सूची है देश के 14 प्रधानमंत्री की। 14 इसलिए कह रहा हूं कि सूची में मैंने मोदी जी के नाम से पहले 15 लिख रखा है, उस संख्या को आप काट कर ठीक कर लीजिए, उसे 14 कर लीजिए। इसका कारण ये है कि बीच में आप देखेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री रही, तीसरे और छठे नंबर पे मैंने दो जगह अंक उन्हें संख्या दे रखी है। अब होता क्या है, होता ये है कि जैसे एक व्यक्ति किसी पद को दो बार ग्रहण करेगा तो संख्या एक ही रहेगी। उदाहरण लीजिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वह हैं 45वें राष्ट्रपति, और अमेरिका के अंदर दो कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा। तो बराक ओबामा जी जब पहली बार चुनाव जीते थे तो भी 44वें नंबर पे थे, जब उन्होंने 4 वर्ष के बाद फिर से चुनाव जीता तो भी वो 44वें संख्या पे रहे। तो इस प्रकार से, क्योंकि इसमें त्रुटिवश ये लिखा गया कि इंदिरा गांधी जी के नाम, इंदिरा गांधी जी को दो बार संख्या में गिन लिया गया, इसीलिए संख्या 15वीं बैठ गई, उसे काट के हमें 14वीं करनी है। सारी संख्याएं इस प्रकार से घट जाएंगी। इसके बाद दे दिए स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्यों में जो है विभिन्न जो प्रधानमंत्री है देश के, उनके बारे में कुछ चीजें मैंने दे रखी हैं। जैसे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में क्या है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे लंबे समय काल के लिए लगातार 3 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला। जैसे आप जानिए 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का जब गठन किया गया तो वह उसके प्रधानमंत्री बने। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने ग्रहण कराई, और जब 1951 में पहले आम चुनाव हुए तो वह जीते। उसके बाद 5 वर्ष के बाद जो चुनाव हुए उसमें भी जीते, और 1964 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय भी वो प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार मैंने एक सूची भी दे रखी है ऊपर की तरफ कि पहले दो प्रधानमंत्री जो थे, जिसमें लाल बहादुर, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू जी हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी, ये दोनों जो है प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई, और इनका कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पदभार किसने संभाला, उसमें नाम दे रखा गुलजारी लाल नंदा। ऊपर की तरफ सबसे ऊपर जो सूची दे रखी है उसमें आप जरूर देखिए, और साथ ही उस सूची में एक बात और देखिए। सूची का मतलब ये वाला, ये जो सूची मैंने इसके अंदर दे रखी है, ये सूची में इसमें ये भी दे रखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु विदेश में हुई, उनकी मृत्यु उज्बेकिस्तान में हुई, वो इस और मृत्यु का कारण था हृदयाघात। और वो उज्बेकिस्तान क्यों गए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरी लड़ाई हुई थी 1965 में, उस लड़ाई की लड़ाई समाप्त हुई ताशकंद समझौता, जो उस समय रूस का एक हिस्सा था उज्बेकिस्तान, आज एक अलग देश है जिसकी राजधानी ताशकंद कहलाती है। तो उसी ताशकंद के अंदर उस समझौता करने के दौरान के बाद उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद दूसरा दे दिया इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए इंदिरा गांधी जी के बारे में बहुत सारे तथ्य जुड़े हुए हैं, देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। दूसरा पॉइंट आएगा इनके बारे में कि एकमात्र प्रधानमंत्री जो चुनाव हार गई, 1977 से पहले तक जो प्रधानमंत्री थे वो कभी चुनाव जब उनकी सरकार उनकी अंतर्गत जब चुनाव लड़ा तो वो हारे नहीं थे। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री बनी जिन्हें 1977 के अंदर हार का मुंह देखना पड़ा, और पहली गैर कांग्रेसी सरकार भारत में कब आई, 1977 में। इसके अलावा कुछ और रोचक तथ्य हैं, जैसे आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ दो महिलाएं वर्तमान के अंदर कैबिनेट मंत्री है, एक तो निर्मला सीतारमन जी, ये है हमारे रक्षा मंत्री, और एक है सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी वर्तमान के अंदर है विदेश मंत्री। तो ये जो दो मंत्री है, हमने अखबार में पढ़ा कि ये दोनों पहली महिलाएं हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से
इस मंत्रालय का पदभार संभाला। उसमें लगे हाथ ये पॉइंट और याद कर लेते हैं कि पहली बार ये दोनों पद संभालने वाली महिला जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री होते हुए ये दो पदभार भी संभाले, परंतु ये दो महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से इन दोनों मंत्रालयों का पदभार संभाला। इसीलिए स्वतंत्र रूप से रक्षा मंत्री बनी निर्मला सीतारमण जी, पहली महिला, और स्वतंत्र रूप से विदेश मंत्री पहली महिला बनी ये सुषमा स्वराज। ये पॉइंट आए। इसके बाद है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी के बारे में पॉइंट जो आया एसएससी के एग्जाम में आया कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज दोनों प्राप्त करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री, तो भारत और पाकिस्तान दोनों के अंतर्गत इन्हें ये सौंपा गया। इसके अलावा मोरारजी देसाई जी जो है इन्होंने उप प्रधानमंत्री का पदभार भी संभाला था, आगे आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में दे रखा हो। इसके बाद आता है चौधरी चरण सिंह जी। चरण सिंह जी के बारे में क्या पॉइंट आया? जैसे यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में आया, कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए सदन की बैठक का आयोजन नहीं किया? क्या हुआ 1977 के अंदर जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी उसमें बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जो स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए जो चौधरी चरण सिंह जी थे उन्हें इस चीज का आभास था, शंका थी कि जिस दिन वो लोकसभा की बैठक बुलाएंगे उसी दिन उनकी सरकार को गिराया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, इसीलिए उन्होंने बैठक का आयोजन नहीं किया। इसके बाद दे रखे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और वीपी सिंह जी। तो इनके बारे में यह है कि इन दोनों की सरकार को विश्वास मत प्राप्त करना पड़ा विश्वास, और जब हम पढ़ेंगे वो प्रधानमंत्री जिनकी सरकार गिर गई जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए उसमें भी नाम किनका पढ़ेंगे? वीपी सिंह पहले प्रधानमंत्री, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो आखिरी है, और इसके बीच में जो नाम आएगा देवगौड़ा जी, एचडी देवगौड़ा जी। तीन प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी सरकार विश्वास मत हासिल ना करने के कारण गिर गई। इसके बाद है अगले अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। असल में जब चुनाव हुए 98 में तो उस चुनाव के अंदर किसी भी पार्टी ने बहुमत प्राप्त नहीं किया। बहुमत की जहां तक बात है तो आप ये देखिए 2014 के अंदर 1984 के बाद पहली बार किसी राजनीतिक दल ने 272 का जादुई आंकड़ा अपने बल पर प्राप्त किया। उसके बीच में जितनी भी सरकारें बनी वो गठबंधन की सरकार थी। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बीजेपी ने बहुमत प्राप्त नहीं किया परंतु सबसे बड़ी पार्टी थी, तो राष्ट्रपति महोदय ने उनको बुलाया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दावा किया कि उनके पास बहुमत सिद्ध